Hello everyone, here is another episode from my Odisha journey. I started my day by first visiting to the famous Sakhi Gopal temple. Sakhi Gopal temple, formerly known as Satyavadi Gopinath temple, is a medieval temple dedicated to Lord Gopinath. The temple is built in the Kalinga architectural style. The deity here is built by the King Vajra, who was the grandson of Lord Krishna. Many believe that a pilgrimage to Puri is incomplete without a visit to this temple. Next, we visited to the Raghurajpur artisan village. It is also known as the birthplace of one of the finest and legendary Odissi exponents, Padma Vibhushan Guru Kelucharan Mahapatra and Gotipau dancer Padma Shri Guru Maguni Charan Das. It is also the birthplace of Shilp Guru Dr. Jagannath Mahapatra, who is a prominent Patachitra artist. ये बीच में है पूरा मंदिर और दोनों साइड में सब घर है एंड हैज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पाटलिपुत्र एंड रघुराजपुर विलेज. उनका लास्ट परफॉर्मेंस 2004 में हमारा विजयदशमी था दशहरा दुर्गा पूजा और लास्ट परफॉर्मेंस उधर ही किए थे. जो ग्रैंडफादर थे उनका कुछ बेटा वगैरह नहीं थे, फिर उनका जो पीसी का जो बेटा को केलुचरण महापात्र भैया को वो बेटा करके हमारा घर में आया, फिर हमारा पिताजी ने जन्म लाया. ये पूरा शिव जी का कहानी बना रहा है, लिंगराज का कहानी. तो एक पेंटिंग करने में कितना समय लगता है आपको? ये साइज ये खत्म होने से हमको 15 दिन लग जाएगा. 15 डेज का आफ्टर कितने नहीं है. हम क्या करते हैं, तीनों साड़ी को इमली का जो बीज रहते हैं उसको कुटाई करके गॉम बनाने के बाद उसको जॉइंट करते हैं तीनों को. एक एक क्लियर करके उसको लगा के फिर चौक पाउडर दोनों साइड में लगा देते हैं. फिर पत्थर में घिस के साड़ी जितना चौड़ा आएगा ना इतना ही लंबाई आ जाएगा. फिर हम उसको कटिंग करके जितना साइज बनाएंगे उसका हिसाब से काम करेंगे. वेरी नाइस. फिर उसको मॉडिफाई करके हमने टसर का ऊपर बनाया. जैसे ये सब टसर का ऊपर. ओके, वो टसर सिल्क होता है. हाँ, सो इजी टू कैरी के लिए हमने टसर में बनाया. तो लोग कैरी करते सुविधा होती है. फिर उसको मॉडिफाई करके हमने पाम लीफ में बनाया. ये किस थीम पे है? ये कृष्ण का कहानी है. बीच में कृष्ण बलराम मथुरा जा रही है. सब गोपियां मना कर रही हैं गोपोपुर छोड़ के मथुरा मत जाइए. ठीक है. और ये कलर वगैरह सब ट्रेडिशनल कलर होती है हमारे, सब पत्थर का कलर है. जैसे घर में दिया जलाते हैं काजल और समुद्र का शंख होती है इसमें व्हाइट कलर और दिया जला के काजल वो ब्लैक कलर. बाकी तीन पत्थर आती हैं उसको प्रोसेसिंग करके शिला में बांट के हमारा दादी माँ ने सब कलर तैयार करती हैं शिला में बांट के. अभी भी ऐसा ही चल रहा है कि? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वैसे ही चल रहा है. हाँ जी हाँ, हमारा रहता है जो साल में हम 12 महीना रहता है हम 3 भाग में विभक्त किया है. चार चार महीना. जैसे 4 महीना जो ज्यादा गर्मी होती है ना, धूप होती है, उस समय हम रॉ मटेरियल सब कलर वगैरह तैयार करेंगे क्योंकि सूखने में जल्दी सूख जाती है और रॉ मटेरियल जल्दी भी होता है. और 4 महीना हम ऐसे करेंगे और फिर बारिश आ जाएगा. बारिश में हम कहाँ नहीं जाएंगे, फिर घर में रोक के काम करेंगे 4 महीना. फिर 4 महीना शीत आ जाएगा, ठंडी आ जाएगा. ठंडी में उसको हम जो भी बनाए थे उसको हम बेचेंगे. ये गणपति का बनाया है. बहुत सुंदर.
ये हम टसर में बनाया। और ये ना हमारा माँ बनाती है, ये जो चीज हमारा माँ बनाती है, सौरा पेंटिंग। ये वाला कृष्णा का लाइफ हिस्ट्री है और बीच में कालिंगा मर्दन। ये कलर वगैरह अभी जैसे देख रहे हैं 20 साल 25 साल का बाद देखेंगे ऐसे ही कलर रहता है। ये कुछ पेड़ होते नहीं, ये कृष्ण का, ये राम जी का है। ये उनपे होता है अनंत सन, हर कोई में विष्णु और लक्ष्मी बातचीत होती है। फिर उससे श्रृंगा आ गया, फिर दशरथ ने यज्ञ किया, यज्ञ से जो चालू मिला इसमें चार बेटा जन्म हुआ। फिर ये धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु जी के साथ गया, वो ताड़ेका को बात किया, उधर नारी जो पत्थर हुआ था अहल्या उधर हुआ, वो कई बार तो ने जो पाँव बच के नारी हो गए ना, हमारा नौका क्या हो जाएगा, इसीलिए पाँव धो के नौका में बता रही है। वो धनुर्भंग किया, वो स्वयंवर है। फिर मंत्र आके बोला कैके को जो वनवास जाने के लिए, फिर कैके ने दशरथ को बोला ये वनवास चलाया, ये माया मूर्ख है। उधर जटायु का जो रावण का माया रावण को मारा, उधर जटायु को राम का साथ मिलन हुआ, ये लंका जो लंका में हनुमान का साथ सीता माता भेंट हुआ, वो लंका आग लगा दिया, फिर अग्नि परीक्षा, ये अयोध्या लौट रहा है। उधर रावण का वध, ये जटायु का साथ वध, बीच में राम दरबार। साल में जितना डेकोरेशन होता है ना भगवान, ये पूरा डेकोरेशन है, 24 डेकोरेशन। और एक साइड में गौरव हनुमान, ऊपर में दशा बता हनुमान जी और गौरव। ये पंचमुखी गणपति बनाया, पूरा होल बॉडी पर गणपति है। ये सिर्फ वो काजल से बनाया, ऑरेंज कलर वो गेटअप के लिए दे दिया उसको, वो भी नेचुरल कलर है, सब नेचुरल कलर। येलो रेड मिला देंगे तो ऑरेंज आ जाएगा। बैकग्राउंड আছে কাপড়ের কালার, এটা আমরা এরকম মেরুন ভরা। ये 3.5 महीना लगते जो पेन पेपर कुछ छिलो ना তখন লোক কিরকম লিখছিল পাতার উপরে এরকম লোহার মধ্যে পেন দিয়ে খোদাই করে ইনগ্রেভিং করতে হবে। আমি একটা রফলি ফেস বানাইলে ইনগ্রেভিং করে, এটা আমার তারপর দিয়ে দিয়ে দিলে তার ভিতরে কাজলটা ঢুকি যায়। পরে এটাকে আমি সাফ করে দিলে এই বাকি জায়গাগুলো প্লেন জায়গাগুলো ক্লিন হয়ে যাবে, ফির ওই জায়গাটাই থাকি যায়। ওটা যে ক্লিন করে দিলা পরে সব সাবুনে এই জায়গাটা থাকি যাবে, বাকি জায়গাগুলো সব ক্লিন হয়ে যাবে। যত বি পানি দেবে ইয়ে আর চমক আসবে, কিন্তু কালাটাও হটবে না। একবার অন্দর চলা গেল তো চলা গেল। ওইটা ওই প্রসেসিংরে একটা কাজ বানাইছে, এটা কৃষ্ণর পুরো লাইফ হিস্ট্রি আছে। এটা আমার ওড়িশার ইউনিক আর্ট আছে। এটা কাম কস্ট কেসে কস্ট হতে ই বলা 8000। ইসমে 3 ফোল্ড আয়েগা। সেটা এটা যেরকম ফোল্ড আছে এটা ফোল্ড না। এটা
सपोज डस्ट हो जाएगा, यू कैन क्लीन इट, गीला कपड़ा करके पोछ सकते हैं। এটা 7000 আছে, এটা কি না নন ব্রেকেবল, এই পাতাগুলো কোনো নষ্ট হয় না, এমনি হাজার হাজার বর্ষ থাকে, কোনো নষ্ট হয় না। পুরো 6 মহিনা লাগা পাহলে ইসকো সিল লেতে। इसका कितना कॉस्ट होता है? ये वाला 35,000। अच्छा, बहुत कम है। अच्छा, कैसे डिस्क्राइब करें गणपति कैसे? ये सब है ना अंदर, छोटा छोटा अंदर, छोटा छोटा गणपति। On our way to Bhubaneswar, we visited the Pipli village and got the opportunity to visit one of the workshop. Applique work of Pipli, also known as Chandwa, is probably most well-known handicraft in Puri and surrounding area. Let's explore some of their work. ये होता है चांदुआ, इससे बोल रहे हैं सर चांदुआ। ये मंदिर में लगा सकते हैं, पूजे में लगा सकते हैं, ये पूरा डेकोडर का है। जो पीपली जो बना हुआ था इससे, ये हैंडवर्क का होता है, ये होता है हैंडवर्क सर। टोटल बैक साइड देखिए, इसमें आता है सर, सर देखिए ये हैंडवर्क है सर, पिकअप आता है, जैसा हाथी आता है, ये हाथी आता है, ऐसा पिकअप आता है, ये देखिए ये होता है इसका गणपति बाबा। एक देखिए एक गणपति बाबा, लड़कियों किसको बनाते हैं आप? ये वाला देखिए, ये बैग होता है, ये स्टिच होके फिटिंग होता है हम लोग का। ये पूजा पूजा में लगा सकते हैं छतरी, आप पूजा में लगाइए, भगवान जी के पास लगाइए, जो व्रत घर होता है शादी वादी में ये लगा सकते हैं। ये जो होता है पर्स होता है, ये हैंड वर्क होता है, बस आप मशीन में डालिए, हैंड डालिए, जो भी कुछ नहीं है उसका देंगे, बोल के देंगे, नहीं है कि अरे एक टर्न, अरे आधी टर्न, ये देखिए ये पिकअप डिजाइन है, वो हाथी देखे ना, सिंगल हाथी देखे, हाँ वो सिंगल हाथी देखे, ये फ्लावर देखे, ये पिकअप रहेगा, एक चादर होता है, वो बनाने में आपको कितना टाइम लगता है? महीना भर लग जाता है। एक महीना? अच्छा। एक फूल उठाने में 15 से 10 मिनट लग जाता है। Received on phone pay.
तो आप लोग कितने साल से ये काम कर रहे हैं? जी हमारे दादा परदादा के टाइम से। अच्छा, तो आप बचपन से ही सीखे हैं ये काम? मैंने आपका ये थर्ड जनरेशन है जो ये काम कर रहा है। ये बैग डिजाइन है का बैग बनेगा। थैंक यू, वेलकम सर। That's all for today, and I'll soon meet you with another travelogue. Take care and bye-bye.